एग्ज़ाम का माहौल बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है और इस एग्ज़ाम के माहौल में हमारे जो सैनिक हैं यानी कि हमारे बच्चे वो तैयार हो रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए। सो कुछ बच्चों ने रिवीजन कर लिया होगा, कुछ रिवीजन कर रहे होंगे, कुछ स्ट्रैटेजी अभी बनाना शुरू कर रहे होंगे, कुछ स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही चल रहे होंगे। सो अलग अलग बच्चे और अलग अलग एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम्स के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए, जो आप लोग गलतियां करते हो, जो आपको नहीं करनी चाहिए और जो आप चीज़ें करते नहीं और वो आपको एक्चुअली में करनी चाहिए एग्ज़ाम्स के अंदर, तो वो सारी चीज़ों की यहाँ पर पोटली मैं आपके सामने खोलने वाली हूँ। तो ध्यान से देखिए जो जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ और क्या करना है, क्या नहीं करना है, करना भी है तो किस तरीके से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को एक बार और दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और चलिए फिर स्टार्ट, चलिए सो बात करेंगे यहाँ पर कुछ ऐसी बातों के बारे में जो एग्ज़ाम के दौरान आपको करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। हमें कहीं ना कहीं चीज़ों के बारे में पता होता है, लेकिन हम फिर भी उनको रिपीट करते रहते हैं, जो कि हमारी एक हैबिट बन जाती है। सो बिल्कुल, हैबिट्स जिस तरीके से एकदम से बनती नहीं है, वैसे ही हैबिट्स को कभी भी एकदम से रोका नहीं जा सकता। सो यानी कि कहने का मतलब है कि आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस में लानी पड़ेंगी और बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले ही आपको प्रैक्टिस है जो करनी पड़ेगी, ताकि एग्ज़ाम के दौरान आपकी ये चीज़ जो है हैबिट में आ जाए। चलिए सो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको बताऊँगी कि जैसे आप लोगों के एग्ज़ाम्स अभी स्टार्ट होने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ख़त्म करना है एक बार रिवीजन। आप ये जान लीजिए कि रिवीजन की है आपके एग्ज़ाम के अंदर सक्सेस की। तो देखिए, जो भी आपके एग्ज़ाम के अंदर का कंटेंट है, सारा का सारा आप क्या करो, उसको रिवाइज़ कर लो, बजाय कि पहली बार पढ़ने के। जैसे कि आप परसों तुम्हारा एग्ज़ाम है मान लो, और आज तुम उसको पहली बार पढ़ने बैठे हो, नहीं जी नहीं, ऐसे करके तुम पास भी हो गए तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो यानी कि वो जो कंटेंट आपका एग्ज़ाम का है, जिसका भी पेपर है, मानो फिज़िक्स का है, केमिस्ट्री का है, सीएस का है, आईपी का है, तो वो सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ी, फिर आपने उनको एक बार फिर से रिवाइज़ किया। एक बार देखने से तो आपको मूवी भी याद नहीं रहेगी, ये तो है ही पढ़ाई। अगर आप कोई एक मूवी देख करके आए हो, आज ही आकर के पूछूंगी तो तुम मुझे एक ओवरव्यू 90% उसका बता दोगे। 10 दिन बाद पूछूंगी तो हो सकता है वो परसेंटेज कम हो जाए, 90% ना बता करके आप उसका 50% ही याद रख पाए। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप मूवी का नाम, उसके अंदर के कैरेक्टर सब कुछ भूल चुके होंगे, लेकिन याद करिए जो मूवी अगर मैं बार बार देख रही हूँ, हर दूसरे दिन तीसरे दिन मुझे उसके डायलॉग भी याद हो रहे हैं, मुझे उसकी हर चीज़ याद हो रही है। पहली बार देखा तो नज़रिया कुछ और था, दूसरी बार देखा तो अच्छा हीरो के साथ साथ मुझे बाकी लोग भी दिखाई दिए। तो यानी कि पहली बार में ठीक है आपको एक ओवरव्यू समझ में आ गया, पहली बार पढ़ करके सब कुछ नहीं होगा, आपको उसको दोबारा तिबारा रिवाइज़ करते जाना है। रिवीजन इज़ मस्ट यहाँ पर, सबसे पहली चीज़। आप अपने दिमाग से ये चीज़ कहो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मुझे उसको बार बार रिवाइज़ करना है। अब आगे वाला टिप्स मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। ऑफकोर्स एग्ज़ाम के दौरान या एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आप अपने खाने पीने की हैबिट्स के ऊपर ज़रूर है जो ध्यान दो, क्योंकि हम कोई भी तरीके का रिस्क ले नहीं सकते कि हम एग्ज़ाम में बीमार पड़ जाएं। अक्सर ऐसा होता है कि मान लो जब मेरा टाइम टेबल आया तो मैं सबसे पहले क्या देखता हूँ, अच्छा मैथ से पहले कितनी छुट्टी है, अच्छा फिज़िक्स से पहले कितनी छुट्टी है, तो हम रिलैक्स हो गए कि अच्छा मैथ से पहले 17 छुट्टी है और फिज़िक्स से पहले 5 है, हो जाएगा बल्ले बल्ले। लेकिन हमारी ये जो कुछ ईटिंग हैबिट्स हैं जो कि बुरी हैं, उनकी वजह से ये जो छुट्टी है ये हम यूटिलाइज़ हो सकता है कि हम ना कर पाएँ। तो यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम कभी बीमार पड़ जाएँ, है ना, क्योंकि हमने कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा बाहर से मार्केट से खा लिया और बीमार पड़ गए, हो सकता है एग्ज़ाम से जस्ट पहले पड़ गए, तो यहाँ पर आपको इनका भी ख्याल है जो रखना पड़ेगा। देखो कोई तुम्हें आकर के कहने नहीं वाला, आपको अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा और अपनी ईटिंग हैबिट्स है जो एग्ज़ाम के दौरान स्पेशली हमें बहुत ही फोकस रहना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर के। हेल्दी खाओगे तभी हेल्दी सोच पाओगे, ठीक है। सो हेल्दी सोच कहीं ना कहीं हेल्दी खाने से भी लिंकअप है जो करती है। चलिए आगे वाला टिप्स मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ। बिल्कुल, ये वो टिप्स है जिसके लिए शायद आपको थोड़ा सा टाइम लगे इसको छोड़ने के लिए। मतलब एक ऐसी हैबिट है जो लग तो बड़ी आसानी से गई,
लग तो बड़ी आसानी से गई, लेकिन अब छोड़ रहे हैं इस हैबिट को तो बड़ा दर्द हो रहा है, शायद एक जख्म से भी ज़्यादा दर्द। हमें बार बार सोते उठते बैठते जागते सोशल मीडिया जो हमारे अकाउंट्स हैं हमें उनकी याद आ रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि अच्छा उसने मेरे बारे में क्या पोस्ट डाला है, अच्छा मैंने जो पोस्ट डाला था किसी ने लाइक किया, किसी ने सीन किया कि नहीं। अरे भाई, ये जो सेल्फ सेंटर्ड की जो हैबिट है ये आपको लग तो गई है, लेकिन अब इसको छूटने में बहुत ही टाइम है जो लगेगा। कि एक्शन लेने का टाइम कब है, वो बिल्कुल अभी है। अब नहीं तो कब? अपने आप से एक चीज़ पूछोगे, अगर मैं अब नहीं जागा तो फिर कब जागूंगा? आप यूँ स्क्रॉल करते जाते हो और दुनिया भर के लोगों की शक्लें, उनके एक्टिविटी रोज़ के दिन के देखते हो, लेकिन कहीं ना कहीं देखने के बाद में आपको भी ऐसे लगेगा कि अरे मैंने कितना रफ कर दिया, कितना मैंने टाइम है जिसको किल कर दिया, 5 घंटे 4 घंटे, मतलब इसमें टाइम तुम्हें पता ही नहीं चलता है, यूँ उड़ता है टाइम। मतलब एक बार तो तुम पैसे भी उड़ाओगे तो तुम्हें फील होगा, यहाँ पर तुम्हें पता ही नहीं चलता है क्योंकि 60 सेकंड्स का एक शॉट है, तो 60 कर करके आपके घंटों यहाँ पर बीत जाते हैं और सबसे बड़े बेवकूफ़ यहाँ पर आप बनते हो। कभी सोचा है आप स्क्रॉल करते हो तो आपके मन में क्या होता है? आपके मन में जस्ट चल रहा होता है कंपैरिजन। जैसे आपने किसी हस्ती को देख लिया, अब आपके मन में कंपैरिजन क्रिएट होने लग गया, कहीं ना कहीं आप अपने आप को उस प्लेस पर देख रहे हो। और वो प्लेस कहाँ पर है? जी, इमेजिनेशन के ऊपर, जिसका कोई सत्य अभी तक नहीं है। तुमने एक पत्ता तक नहीं हिलाया वहाँ तक पहुँचने के लिए, तुमने सिर्फ क्या किया? स्क्रॉल किया। देखो, स्क्रॉल करने से तो तुम वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे ना, तो स्क्रॉल कर रहे हो सारी ज़िंदगी, क्या तुम्हें स्क्रॉलिंग ही करनी है? कभी ऐसा नहीं है कि मैं भी उस जगह पर आऊं और लोग मेरे नाम को स्क्रॉल करें। तो देखिए, अब दो तरीके के सपने हैं। एक सपना ये वाला जो आप सोच रहे हो, जो इमेजिनेशन में है, जो सिर्फ जागते सोते किसी भी तरीके से आसानी से सोचा जा सकता है, इमेजिनेशन है जी। तुम US के प्रेसिडेंट बन जाओ इमेजिनेशन के अंदर, उसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन जब बात होती है हकीकत की, तो उसमें ये सपनों से उठना पड़ता है, चाहे वो सोते सोते ले रहे हो या जागते जागते सपने ले रहे हो, इनसे हकीकत में आना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है, और उसमें होता है पेन। और हम चाहते नहीं है कि भाई हमें पेन हो, लेकिन ज़िंदगी में कुछ चीज़ों में चीज़ें याद रखना, सक्सेस कभी भी वो नहीं है जो तुम्हें आसानी से मिल गई, जो तुम्हें शॉर्टकट से मिल गई, वो सक्सेस नहीं है, वो एक टाइम का फुवारा है, जो फुवारा आया और बस नीचे ढल गया। सक्सेस वो है जिसने तुम्हें कभी कोने में बैठ करके रुलाया है, कभी तुम्हें अपना एहसास दिलाया है कि हाँ तुम मेरे लिए तड़प रहे हो। जब तक ये एहसास, ये आंसू तुम्हारी आंखों में नहीं आएंगे ना, वो सक्सेस सक्सेस नहीं होगी, वो फुआरा ही होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगले टिप्स की। सो यहाँ पर बिल्कुल देखिए, नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है, सफिशियंट नींद। ऐसा है कि आपने सोचा कि मैं 4 घंटे सो जाऊँगा और काम हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, एक प्रॉपर नींद आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आधी आप नींद लेकर के आप पढ़ने बैठे, ना तुमसे पढ़ा जा रहा है, ना तुम सो पा रहे हो, ऐसे में एक तो तुम्हारी हेल्थ ख़राब होगी, पूरा दिन ख़राब होगा। सो ऐसे में एक सफिशिएंट अमाउंट की नींद है जो बहुत ही ज़रूरी है। सो ऑफ कोर्स उसके लिए भी यही कि अगर तुम्हारा सोने का टाइम है ना, तो बिल्कुल सोशल मीडिया है जो उसको बिल्कुल बंद करना है, और फिर उस एक्चुअल में तुम्हें है जो सोना। ऐसा नहीं है कि मैं सोने का टाइम है, मेरे को 8 घंटे तो मिले सोने के लिए, लेकिन मैंने क्या किया, 4 घंटे बीच में मोबाइल चलाया और 4 घंटे सोए, यानी कि ये टाइम तो तुमने पूरा ले लिया। और जब पढ़ाई का टाइम आएगा तो अब एक तो सोशल मीडिया की याद आएगी, ऊपर से तुम्हें नींद आएगी, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो एक सफिशियंट, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ नींद यहाँ पर कंपलसरी है आपके लिए, एग्ज़ाम के दौरान भी, एग्ज़ाम से पहले भी। चलिए, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टडी टिप्स की, रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। अब आती है बात जी उस दिन की, जिस दिन आपका पेपर होगा। अब अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं कि मतलब जल्दी से हमें पेपर मिल जाता है और हम फटाक से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे पता नहीं हमारी कोई जो है ओबामा के साथ मीटिंग होने वाली है और वो हमारा वेट कर रहा है, और हमें फटाफट ये बस ये जो है टाइम पास है, पेपर कर करके हमें बस मीटिंग अटेंड करने जाना है। ऐसा नहीं है बेटा, तुमने पूरे 365 दिन उस पेपर के पीछे पढ़ाई की है, तुमने पूरा साल उसके पीछे लगाया है। तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारे टीचर्स की उम्मीदें, तुम्हारे दोस्तों की, सबसे बड़ी तुम्हारे पेरेंट्स की उम्मीदें तुम्हारे साथ में जुड़ी हुई हैं, और वहाँ पर तुम जाकर के फटाक से पेपर कर रहे हो, किसको दिखाना चाहते हो? ये ऐसा क्या काम है जो पेपर से भी ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं,
पेपर को केयरफुली आप लोगों ने रीड करना है. 15 मिनट जो आप लोगों को मिलते हैं एग्ज़ाम से पहले के, उसमें तुमसे चाहे 2 बार पेपर पढ़ना पड़े, आराम से पढ़ो उसको. क्योंकि पहली बार पढ़ोगे तो ऑफकोर्स थोड़ा डर लगेगा कि ये भी नहीं आ रहा, ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा. तो उसमें क्या करो, हल्के से थोड़ा टिक करते जाओ जिसमें यू आर श्योर, देन अगेन इट दोबारा इसको रीड करो. फिर उसके अंदर आपको थोड़ी और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी. जैसे कई बार होता है कि कहीं लिखा होता है कि आपको ट्रू बताना है, तो हम उसमें फॉल्स बताए आते हैं, या फिर उसमें फॉल्स लिखा होता है हम ट्रू बताए आते हैं. जैसे उसमें 4 ऑप्शन थे, ए बी सी और डी. आपसे पूछा इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, नॉट पूछा है, और तुम येस वाले पर क्लिक कराते हो, या नन ऑफ दी अबव पूछा है तो आप कुछ और ही कराते हो. सो यानी कि कहने का मतलब है कि पेपर को आराम से बैठ करके पढ़ लो भाई. एक बार देखने से तो मूवी भी समझ में नहीं आती है. मूवी की बात अलग रही, ये तो पेपर की बात है, पेपर कहाँ से समझ में आ जाएगा. तो इसीलिए आप उसको थोड़ा सा केयरफुली रीड करो. 2 से 4 बार जब आपको टाइम मिल रहा है रीडिंग के लिए तो रीड ज़रूर करो. यहाँ पर दूसरी बात आती है कि एग्ज़ाम के दौरान ना मतलब बात मत किया करो, चाहे वो तुम्हारी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई चीज़ की ना हो, जैसे कि आप कितना पढ़ के आए, कितना नहीं पढ़ के आए. क्योंकि मैं एग्ज़ामिनर रहती हूँ तो मेरे को भी ये चीज़ बड़ी वो इरिटेट करती है कि सामने वाला बच्चा है जो इतनी सारी बातें हैं जो कर रहा है, तो वो आपके कहीं ना सामने आंखों पे खटकने लग जाता है. तो जब आप थोड़ी सी भी इधर उधर हिलते हो तो ध्यान उसका वहीं पर ही जाता है आपके ऊपर. कहीं बीच में तुम्हें थोड़ा बहुत कहीं से पूछना पड़ गया, वैसे तो पूछना नहीं है, पूछना पड़ गया है ना, थोड़ा बहुत ऐसे कभी तुम्हारे दिमाग से स्किप हो गए कोई ट्रू या फॉल्स वाला, है ना, ऐसे नहीं पूछना है, हम कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं तुम्हें पूछने के लिए, तो एग्जामिनर की आंखों में तुम खटकते रहोगे, राइट. तो वो इरिटेट करता है ऑफकोर्स उसको, क्योंकि तुमने पहले ही आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुके हो, यानी कि बात करके इधर इसको बुला उसको बुला, राइट. सो ऐसे में फिर क्या होगा, अगर एग्जामिनर चिढ़ गया तो वो तुम्हें कुछ बोल देगा, तुम्हारा मूड ख़राब होगा, ऑफकोर्स फिर तुम्हारे एग्ज़ाम पर उसका फ़र्क है जो पड़ेगा. और बातें नहीं भी करनी चाहिए, वो इसलिए भी नहीं करनी चाहिए यहाँ पर, कि जैसे तुम अब एग्ज़ाम देने आओ, पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर के आ रहे हो, और तुमने मान लीजिए एग्ज़ाम के सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3, तुम्हारा 2 सेक्शन इतना ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो रखा, लेकिन तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें आते बता दिया, अच्छा बात कर रहे हो तुम, अरे सेक्शन 2 तो इतने मार्क्स का है, या फिर उसमें ये क्वेश्चन गारंटेड आएगा, तो तुम्हारे तुमने अब स्ट्रेस ले लिया. यानी कि ये जो तुम प्रिपेयर करके आए हो ना, अब तुम्हारा ध्यान इस पर नहीं है, तुम्हारा ध्यान खाली जगह पर जाएगा. अच्छा मेरा आधा गिलास है जो खाली है, यानी कि मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी है, तो यानी कि तुम खुद ही डिमोटिवेट हो जाओगे. तो ऐसी जो बातचीत होती है ना, जो टॉक होती है, उससे थोड़ा सा बच करके रहो एग्ज़ाम्स के दौरान. बिल्कुल भी बात मत करो, क्या है एग्ज़ाम के बाद है जो आप बात कर लेना, पेपर भी डिस्कस मत किया करो, ठीक है. वैसे ये हर किसी के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे मैं उन लोगों में से हूँ जो पेपर बिल्कुल भी डिस्कस करना पसंद नहीं करते, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैंने डिस्कस कर लिया ना तो उसका असर मेरे नेक्स्ट पेपर पर ज़रूर होगा, और फिर आपके नेक्स्ट पेपर पर होता रहेगा. और मैं कोई भी पेपर ख़राब नहीं करना चाहती एक की वजह से, क्योंकि अंदर ही अंदर तुम्हें कहीं ना कहीं पता होता है यार ये क्वेश्चन तुम्हारा गलत है, ये क्वेश्चन तुम्हारा सही है. सो नो डिस्कशन आफ्टर एग्ज़ाम, ठीक है. चलो वो भी आफ्टर एग्ज़ाम वाली बात भी बता दी, बट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम बात मत करो. एग्ज़ाम से जस्ट पहले भी अगर आप सेंटर के बाहर खड़े हो तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट होकर के खड़े रहो, राइट. किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुमने कितना पढ़ा है, तुमने कितना नहीं पढ़ा है. दोस्त तुमसे झूठी बोलेंगे, ठीक है. कुछ दोस्त होंगे जो बिल्कुल हवाओं में उड़ करके आएंगे, जिन्होंने स्टेटस डाला है इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, कि हाँ हमने हैशटैग इतनी पढ़ाई की है, हैशटैग उतनी पढ़ाई की, वो तुम्हें फालतू की टेंशन देंगे चाहे उन्होंने पढ़ा कुछ भी ना हो, राइट. और ऐसे दोस्त भी होते हैं जो पूरी रात सच में पढ़ करके आए हैं, अगले दिन अरे मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा. ऐसे तीखे दोस्तों से भी बच करके रहना है, ठीक है. सो हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर आता है, बिल्कुल एग्ज़ाम के दौरान स्पेशली गर्ल्स यहाँ पर बहुत जो है कंफर्टेबल जो है कपड़े, बिल्कुल आपकी जो स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह है आप उसको पहन करके जाओ, अगर आपका स्कूल कहता है तो. अदरवाइज़ कोई भी कंफर्टेबल, आप चप्पल में भी चले जाओ ना, कोई तुम्हें रोकने नहीं वाला, बट तुम वहाँ पर कंफर्टेबल होकर के एग्ज़ाम दे पाओ. ऐसा नहीं तुम्हारा ध्यान सारा इसी जाए कि अरे मैंने क्या, मेरा जो है इधर से जो कुछ हो रहा है या उधर से कोई हो रहा है, मेरे बाल अगर बिखर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ठीक है. सो आपको जो है कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन करके जाने, आपके स्कूल की यूनिफॉर्म पहन जाओ, क्योंकि हम वो रोज़ पहन के जाते हैं तो ऑफ कोर्स उसके अंदर कुछ भी खराबी नहीं है, ठीक है. तो चलिए अब आगे चलते हैं. अब यहाँ पर डोंट डेकोरेट द आंसर शीट. हाँ ये चीज़ मैंने भी बड़ी नोटिस की है, जब हम लोग कॉपीज चेक करते हैं तो कुछ बच्चे कुछ भी फूल पत्तियाँ बना करके आ जाते हैं. नहीं, आप वहाँ पर सिंपल शब्दों के अंदर अपने आंसर को लिखिए, कम शब्दों में आप बात कह दो,
ठीक है, एक एक प्रॉपर बात अगर आपने कहनी है, देखो आप पूरी राम कहानी बता रहे हो, ऐसा हुआ वैसा हुआ, नहीं, जो सटीक चीज़ है आप वो लिखो, आपको फालतू की चीज़ें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है और इसको डेकोरेट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। डेकोरेशन के कोई तुम्हें मार्क्स नहीं मिल रहे, तुम कोई वहाँ पर कोई ऐसी कोई प्रेजेंटेशन देने नहीं जा रहे, आप सिर्फ आंसर लिखने जा रहे हो, तो आंसर को आंसर के हिसाब से लिखो, कुछ भी डेकोरेशन अलग से कुछ पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो ये चीज़ ध्यान रखनी है, राइट। अब यूज़ कॉमन एंड सिंपल वर्ड्स, यस बिल्कुल, यूज़ कॉमन सिंपल वर्ड्स मैंने भी बहुत बार एग्जाम्स के अंदर देखा है, जैसे प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसे फंक्शंस लगा देते हैं कि अरे सोचते हैं कि अरे ये तो मैम को पता ही नहीं चलेगा, ये फंक्शन हमने लगा दिया, अच्छा कोई भी फंक्शन है ना। तो बिल्कुल कहने का मतलब है कि आप एग्ज़ाम्स के अंदर वही कॉमन वर्ड्स यूज़ करो जिससे आप अपनी बात सामने वाले को इजीली समझा पाओ। आप क्यों उसके लिए डिफ़िकल्ट वर्ड है जो डालने की कोशिश करते हैं, इससे एक ही चीज़ साबित होती है, तुम्हें वो चीज़ आती नहीं है, इसीलिए तुम ऐसा कोई शब्द डाल रहे हो जो सामने वाले को भी समझ में ना आए। भाई सामने वाला कॉपी चेक कर रहा है, वो पहली बार नहीं कर रहा है, 30-30 सालों से लोग कॉपी चेक करते हुए आ रहे हैं, दैट मीन्स उसको नॉलेज है, वो जितना तुमने सोचा है, तुम्हारी सोच जहाँ पर ख़त्म हो रही है वो वहाँ से सोचना शुरू कर रहा है, तो आप उसको तो बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो आप यहाँ पर पूरी कोशिश ऐसे करो कि आप अपने सिंपल शब्दों के अंदर ना सामने वाले को पूरी बात है जो समझा दो, यानी कि तुम्हें प्यास लगी है तो तुम आराम से बोल दो मुझे प्यास लगी है, तुम्हें घुमाने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा ऐसा हुआ वैसा हुआ अब जाकर के तुम एक्चुअल पॉइंट के ऊपर आ रहे हो। तो यानी कि कहने का मतलब एक तो सिंपल शब्दों का वर्ड्स का यूज़ करो और दूसरा कम शब्दों के अंदर अपनी बात कहने की कोशिश करो। और ये चीज़ डिपेंड करती है क्वेश्चन के नंबर पर, ठीक है, कि आपका 3 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन है तो आप उसको उसी तरीके से लिखो। 1 मार्क्स के पेपर को आपको एक्सप्लेन इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं कि आप 1 पेज भर दो, बाकी फिर 3 पेज वाले में क्या करोगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी कि आपको मार्क्स देख करके उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। अगर फुल फॉर्म पूछी है तो जस्ट फुल फॉर्म हाफ नंबर का दो, उसमें उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ऐसे शब्द डालने की ज़रूरत नहीं है जो सामने वाले को ना समझ में आए, तुम्हारे नंबर ही कटेंगे, राइट। अगली उप चीज़ पर आते हैं, जी हाँ, अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों को लिखने की जो हैबिट है वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है और ये सच्चाई से आप भाग नहीं सकते। कहीं ना कहीं तुम भी इस चीज़ से क्या कर रहे हो, एग्री कर रहे हो कि यस मैम हमारी लिखने की हैबिट बहुत ही कम हो चुकी है, क्योंकि कोविड के दौरान आप लोग स्कूल गए नहीं, किसी ने तुम्हारे ऊपर सर पर खड़े होकर के, क्योंकि तुम्हें आदत होती है सर पर खड़े रहे नहीं रहेंगे तब तक हम लिखेंगे नहीं, और 9th, 10th, 11th, 12th में जाते जाते बच्चा लिखने की हैबिट बहुत ही कम कर देता है, और अभी तो आपकी वाकई में बहुत कम है जो हैबिट हो चुकी है, और यहाँ पर कटिंग करने के चांसेस आपके सबसे ज़्यादा रहेंगे। अभी आपने क्या करना है, एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन जो आप खरीदते हो, जैसे कि आप लोगों ने मान लीजिए ओसवाल के पेपर खरीद रखे हैं या फिर आपके पास में CBSE की वेबसाइट से आपने डाउनलोड कर लिए सैम्पल पेपर, अब उसको किस तरीके से पेपर में करना है आप उस तरीके से घर पे है जो उसकी प्रैक्टिस करो, और फिर आप कुछ देर बाद आप ये चीज़ पाओगे कि आप कितनी कटिंग है जो करते हुए आ रहे हो। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में बंदा दो ही तरीके की चीज़ें करता है, या तो वो एग्ज़ाम से जस्ट पहले उसको किसी ने बताया है कि भाई ये क्वेश्चन रट ले आ जाएगा, फटाक से तुम जाकर के उसमें लिख देते हो, या तो ये चीज़ होने वाली है, और या फिर जो तुमने पूरे साल अपनी हैबिट में लेकर के आए हो, पूरे साल तुम हैबिट में राइटिंग लेकर के नहीं है, अचानक से पेपर में राइटिंग कर रहे हो, तो फिर वहाँ पर ऐसे दाग धब्बे डालोगे ही डालोगे। और एक पेन बहुत अच्छा यूज़ करना, ठीक है, आप पेन जो है वो जेल वाले ले जाते हो और वो जगह जगह स्पॉट छोड़ते रहते हैं, सो ऐसी चीज़ मत करना, ठीक है। सो पेन आपका जो बॉल पेन है उसको लेकर के जाना, और उसे हैंडराइटिंग भी आपकी काफ़ी अच्छी है जो होती है, बट प्रैक्टिस कर लेना बिफोर एग्ज़ाम्स लिखने की, एक बार नहीं काफ़ी बार, काफ़ी बार आपकी हर एग्ज़ाम से पहले एक ऐसी प्रैक्टिस है जो होनी चाहिए। अवॉइड करो कटिंग प्रोग्रामिंग के अंदर, तो मैं ख़ास तौर पर बच्चों को कहती हूँ, और मेरे जो बच्चे हैं मैं 9th क्लास से उनकी हैबिट लगाती हूँ कि भाई तुम्हें प्रोग्राम्स लिखने हैं, एक कॉपी उनकी थ्योरी की है जिसमें वो प्रोग्राम और थ्योरी दोनों चीज़ें लिखते हैं, एक सिर्फ ऐसी होती है जिसमें वो सिर्फ प्रोग्राम लिखते हैं, बेशक तुमने उसको रन कर लिया है कंप्यूटर के अंदर, आप बेशक बाद में सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करने वाले हो, लेकिन एग्ज़ाम में तो तुम्हें प्रोग्राम लिख करके आना है ना, ये एक सच्चाई है। तो यानी कि तुम्हें प्रोग्राम लिखना आना चाहिए, तुम कितने भी बड़े एक्सपर्ट क्यों ना हो, तुम्हारे हमेशा प्रोग्रामिंग में अच्छे लॉजिक क्यों ना होते हो, लेकिन प्रोग्रामिंग लिखना भी एक स्किल है, राइट। सो प्रोग्राम के अंदर मान लीजिए आपने एक फंक्शन यूज़ किया, जैसे इज ऐसा कोई फंक्शन आपने बना लिया, ठीक है, अब ये फंक्शन तुमने बना लिया, पाइथन इज़ ए केस सेंसिटिव, अब बाहर जाके तुम इसको फिर इज इक्वल ऐसे लिख रहे हो, तो आई और आई, फिर थोड़ी देर बाद तुम्हें पता चलता है ये कैपिटल है ये स्मॉल है, अब इसको कैपिटल बनाओगे, तो यानी कि ओवर राइटिंग कटिंग इन सबको अवॉइड करो। तो क्या कर सकते हो आप, पेंसिल से ना, या फिर ऐसा कर सकते हो साइड में एक बार
अपना प्रोग्राम लॉजिक है एक बार बना करके देख लो, अब फिर नीट एंड क्लीन कर लेना, अदरवाइज पेंसिल से उसको थोड़ा थोड़ा कर लो, उसके बाद में पेन से कर लेना और फिर उसको रब कर देना। लेकिन पेंसिल भी इतनी नहीं होनी चाहिए कि अच्छा आप उसको रब कर रहे हो तो नीचे दिखाई दे रही है और आपकी कॉपी फट रही है, नहीं नहीं ठीक है। तो उसमें भी स्मार्टनेस से उसको पेपर में उतारना है प्रोग्राम को भी। फिर ऐसा भी नहीं है कि आप साफ करके आओ तो पीछे पीछे वो पेंसिल के स्पॉट भी दिखते जाएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के आपको ध्यान रखने हैं। क्वालिटी ऑफ आंसर ये आपको मेंटेन करके रखनी है। कहते हैं ना कि भाई बिलीव इन क्वालिटी नॉट इन द क्वांटिटी, वही चीज़ यहाँ पर है। तो आप पेपर में जितनी चीज़ें भी लिख करके आ रहे हो ना, उसके पॉइंट बना करके आप लिख करके आ रहे हो, यानी कि पॉइंट टू द चीज़ आप लिख रहे हो, राइट। आपसे अगर पूछा है कि भाई सूरज किस दिशा से उगता है तो तुम वो दिशा का नाम ही लिख रहे हो, ऐसा नहीं कह रहे हो अच्छा सुबह उठाओ यहाँ पर हुआ ऐसे ऐसे करके, नहीं 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 ठीक है। आपको रामायण उसमें हिस्ट्री लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही बताया। आप इसका मार्क्स देखो कि 3 नंबर का है, 3 के अकॉर्डिंग आप उसमें वही चीज़ें लिखो। प्रोग्रामिंग के अंदर तो इतनी चीज़ें लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती है, आप थोड़ी डेफिनेशन लिखो, एक छोटा सा सिंटेक्स लिख दो, नंबर मिल जाएंगे 3 आपको, ठीक है। सो हर एक सब्जेक्ट का लिखने का स्टाइल होता है। प्रोग्रामिंग के अंदर तो आपके पास में सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि हर चीज़ का सिंटेक्स आप डाल सकते हो, जैसे कंटिन्यू और ब्रेक के बीच में डिफरेंस। सो आप दोनों को थियोरेटिकली एक्सप्लेन करो और फिर एग्जांपल से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। तो क्वालिटी रखो अपने आंसर्स की, कुछ भी मत लिखो। सामने वाला पहली बार पहली कॉपी तुम्हारी नहीं चेक कर रहा, वो काफ़ी सालों से बोर्ड की कॉपीज चेक कर रहा है, ठीक है। तो बेवकूफ़ तो आप उसको किसी भी हाल में नहीं बना सकते। अब यहाँ पर सेट प्रायोरिटी, ज़रूरी नहीं है कि आपको सीक्वेंस वाइज ही सारे क्वेश्चन लिखने हैं, जैसे पहला आपको नहीं आता है तो आपको लिखना ही लिखना है, नहीं। आप जब 15 मिनट तुम्हें मिलते हैं ना कॉपी चेक करने के, तो उन 15 मिनट में आप सिर्फ डिसीजन लो कि तुम्हें कौन से क्वेश्चन करने हैं कौन से नहीं करने हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो और के अंदर आते हैं। तो आप इस चीज़ की प्रायोरिटी सेट कर चुके होंगे उन्हीं 15 मिनट के अंदर। मतलब देखो वो जो 15 मिनट है ना, वो जो आगे आपके 2 घंटे कैसे बीतने वाले हैं पेपर के अंदर, वो 15 मिनट डिसाइड करते हैं। यानी कि उन 15 मिनट के अंदर आप पेपर रीड करो, आप ये डिसाइड करो कि आप प्रायोरिटी आपको पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, बाद में कौन सा करना है, और कौन सा करना है कि नहीं भी करना है, राइट। ये सारे क्वेश्चंस का डिसीजन है आप उन्हीं 15 मिनट में कर रहे होंगे। चलिए अब आगे वाला हम यहाँ पर टिप्स है जो देखते हैं। अब पूरा आप लोगों ने कर लिया, ठीक है, अब आपको ना प्रॉपरली अपनी आंसर की है जो चेक करने। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैंने क्या किया, आंसर लिख लिया 1, ठीक है। अब इसके 1 के ना कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है, तो अब मैंने इसका आंसर लिख दिया, इसका सेकंड पॉइंट लिख दिया, मतलब इसका मैंने नंबर ही नहीं लिखा। तो आपको प्रॉपर उसके सब पॉइंट्स के भी नंबर चेक करके आने हैं कि आपने प्रॉपरली लिखा है कि नहीं लिखा है। एक और चीज़ जो मैं पर्सनली आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी और जो मेरे को खुद को कॉपी चेक करते हुए काफ़ी बार जो है मैं नोटिस करती हूँ, होता क्या है कि एग्ज़ाम के अंदर आपको मान लीजिए छोटा ए छोटी बी छोटा सी इस तरीके से या 8 नंबर क्वेश्चन के पॉइंट्स आ गए। अब आप पेपर में क्या करते हो, 8 नंबर के ये 1 2 अपनी मर्जी से 3 ऐसे करके आ जाते हो, नहीं। आप ऑलवेज ट्राई ये करो कि अगर 8 नंबर का छोटी ए बी सी डी है ना, तो आप पेपर में भी छोटी ए बी सी डी के अंदर ही लिख करके आओ। अगर उसके अंदर ये जो है रोमन के अंदर लिखा हुआ है, तो आप पेपर में भी रोमन करके आओ। मैं इन चीज़ों के भी बच्चों के मार्क्स काटती हूँ, राइट। सो यानी कि आप पेपर में बिल्कुल जो है सटीक चीज़ें लिख करके आएंगे, ताकि सामने, देखो सामने वाले को समझो, वो तुम्हारी अकेली की कॉपी नहीं चेक कर रहा है, वो आपके साथ साथ हज़ारों कॉपियाँ और चेक कर रहा है। तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा बर्डन क्यों डालते हो, और वो क्यों तुम्हारी कॉपी को इतने ज़्यादा गौर से देखेगा, तुम रिश्तेदार थोड़ी ना लग रहे हो। तो यहाँ पर उसके लिए इजी बनाओ, उसके सामने क्वेश्चन पेपर पड़ा है, अच्छा 8वें का है, अब तुमने अचानक से एक ही जगह ये 1 लिख दिया, उसको 1 सेकंड के लिए सोचना पड़ा कि नहीं पड़ा, बिल्कुल। तो आप वहाँ पर उसको ये फालतू की सोच में मत डालो, आपने जो लिखा है ना वो बस वहीं चेक करते करते उसका हाथ ऐसे जा रहा है ना, तो बस ऐसे ही जाए। तो ये ट्राई करो कि आप पेपर जो है ना लिख कर के आ रहे हो, सामने वाले को कैसे समझ, क्योंकि पेपर जब तुम्हारी कॉपी चेक होगी ना, आप तो वहाँ पर होंगे नहीं, ठीक है, आप तो होंगे नहीं वहाँ पर, आपकी कॉपी बयान कर रही होगी उस पेपर को, ठीक है। तो यानी कि आप वहाँ पर हो नहीं, तो आप अपनी कॉपी में कुछ ऐसा लिख करके आओ इस तरीके से, ताकि आप नहीं हो तो भी वो एक्सप्लेन कर रही हो खुद से सामने वाले को जो भी चीज़ें आपने उस पेपर के अंदर लिखी हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी एग्ज़ाम से पहले। सो इनमें से बहुत सारी हैबिट्स ऐसी होंगी जो आप करते होंगे, है ना, और आपने सुधारी भी होंगी टर्म 1 के अंदर।
अब टर्म वन और टर्म टू की कहानी बहुत ही अलग है. टर्म वन में आपको कुछ भी नहीं लिखना था, आपको जस्ट टिक टिक करना था. बट उसमें भी OMR कैसे फिल करना है ये सारी चीज़ें आपको पता होनी थी. लेकिन यहाँ पर आप लोग जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख कर के आ रहे हो और काफ़ी सालों बाद आप पेपर लिख रहे हो, है ना. इससे पहले लिखने की हैबिट हमारी ज़ीरो हो चुकी है. तो अब यहाँ पर आप लिख रहे हो पेपर, तो यानी कि ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. सो आपको ये टिप्स कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना. आप अपने दोस्तों के साथ में इसको ज़रूर शेयर कर देना ताकि उनको भी इससे है जो हेल्प मिल पाए. सो चलिए बच्चा, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए. चक दे फट्टे करके आने एग्ज़ाम के अंदर. बाय बाय, गॉड ब्लेस यू.